हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 14 है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के बारे में हमने 9th क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ रखा है, और उसे 6th, 7th, 8th में भी छोटा छोटा मीन निकालना, अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालना, मोड निकालना, अनग्रुप डाटा का हम पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट सोचो, जो अब तक आपने 9th क्लास तक स्टैटिक्स पढ़ी है और जो अब 10th में पढ़ेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि मीन निकालना तो वहां पे भी सीखा था, मीडियन भी सीखा था, मोड भी सीखा था, फिर यहां पर क्या नया है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारे ये आंकड़े होते हैं, जो हमारा डाटा होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं बेटा दो हिस्से में। या तो ग्रुप डाटा होता है या अनग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा कैसा होता है वो देख लीजिए। जैसे टेबल दे दी आपको, ये लिख दिया इंटरवल और ये लिख दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहां पे लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 5 लोग हैं, ये 8 लोग हैं, ये 7 लोग हैं। तो ये ऐसा डाटा जिसमें ये बता दिया जाता है, ये ग्रुप बन जाते हैं कि भाई 0 से 10 तक हमें इसमें लेना है, 10 से 20 तक इसमें लेना है, या 11 से 20 तक, 10 को इसमें इंक्लूड कर लेते। अब इसमें 10 से बड़ा यहां पे लेना है 20 तक, फिर 20 से बड़ा इसमें लेना है। तो इस तरह की जो डाटा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। इसके बाद देखिए अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो डाटा होते हैं, जैसे ऐसे आपने देखा होगा 9th क्लास में ऐसे दे रखा था 3, 5, 7, 2, 1, 8, इनका माध्य निकालो, इनका मीन निकालो। तो फिर हम क्या करते थे, इन सबको जोड़ते थे, फिर 2 से, और फिर जितने ये इनकी काउंटिंग थी उससे डिवाइड करते थे। याद आ रहा है? ऐसे ही इनका मीडियन भी पूछ लेता था वो। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते थे, काउंट करते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये इवन नंबर में है तो अलग फॉर्मूला था मीडियन निकालने का, ऑड नंबर में है तो अलग था। याद आ रहा होगा? बहुलक, बहुलक निकालने के लिए ये देखते थे कौन सी नंबर ऐसा है जो ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, मतलब मोड निकालने के लिए जिसकी जो नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको हम बहुलक बोल देते थे। तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में अंतर समझ में आ गया। अनग्रुप डाटा हमेशा इस तरह की फॉर्म में लिखा होगा, और कभी कभी पता है ऐसे टेबल, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, कभी कभी उसने टेबल बना दिया 2 आ रहे हैं, ये लिख दिया उसने मतलब कोई भी इंटरवल, ये लिख दी फ्रीक्वेंसी, उसने लिख दिया 2 आ रहा है 10 बार, 6 आ रहा है 3 बार, 5 आ रहा है 8 बार। तो अब ये ग्रुप डाटा नहीं है, ग्रुप डाटा में ये इंटरवल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये अनग्रुप डाटा ही माना जाएगा। ये तो केवल हमने इसको काउंट कर करके वो लिख दिया है टेबल फॉर्म में। तो बहुत से बच्चे क्या है, ये टेबल देखते ही कह देते हैं ये ग्रुप डाटा है, टेबल देख के नहीं कहना, इसको देख के कहना है आपको। तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में कोई अंतर आज के बाद गलती करेगा? नहीं। वेरी गुड। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्लास 9th तक जो हमने अब तक पढ़ी है स्टैटिक्स, और क्लास 10th में पढ़ेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है। क्लास 10th में जितनी भी बातें होंगी वो ग्रुप डाटा की बातें होंगी, ठीक है। क्लास 10th के अंदर कैसे डाटा की बात होंगी, ग्रुप डाटा की। और जबकि 9th तक हमने कैसे ग्रुप डाटा के बारे में खूब पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आराम से अनग्रुप डाटा के बारे में। और जब 11th क्लास में जाओगे तो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा दोनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में कोई अंतर, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे अंतर नहीं पता हो। तो क्वेश्चन को टेबल को देखते ही नहीं बता देना है कि भाई ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है, पहले ये देख लो इसमें इंटरवल दे रखे हैं कि नहीं। अगर इंटरवल दे रखे हैं तो ये ग्रुप डाटा है, अगर इंटरवल नहीं दे रखे हैं तो अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अनग्रुप डाटा ये दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ग्रुप डाटा की बात करते हैं क्लास 10th की। ग्रुप डाटा के अंदर हमें दो तरह की कंडीशन मिलेंगी, एक कंटिन्यूअस और दूसरी डिसकंटिन्यूअस। ये दिख रहा होगा आप, मैं थोड़ा पेज मोड़ देता हूं, ठीक है। ग्रुप डाटा के अंदर किस तरह की कंडीशंस मिलेंगी, एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या है, देखो
अगर कभी भी ग्रुप डाटा के अंदर आपको कंडीशन ऐसे मिले, ये इंटरवल लिखा है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, चलिए ऐसे करके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 5 हैं, ये 8 हैं, ये 15 हैं, कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, ये तो दिया होगा आपको। आपको केवल पहचानना है क्वेश्चन में कि आपको जो डाटा दे रखा है वो ग्रुप कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा तो है, अब ग्रुप डाटा के अंदर भी वो कंटिन्यूअस डाटा है या डिसकंटिन्यूअस डाटा है, ये सभी में लगेगा, मीन मीडियन मोड सब में। तो पहला काम हमें, ये तो 90% 99% चांस है कि ग्रुप डाटा का ही क्वेश्चन 10th क्लास में दे, अगर उसने अनग्रुप डाटा का भी क्वेश्चन दे दिया 10th क्लास में तो हम मना नहीं कर सकते क्योंकि 9th में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो ध्यान रखें, मैं 9th क्लास का एक वीडियो डालूंगा, उसमें स्टेटिक्स पूरी डालूंगा एक ही वीडियो में, उसे देख लेना अगर किसी बच्चे को अनग्रुप डाटा का कंसेप्ट याद ना हो, उसी के अंदर मीन मीडियन मोड एक साथ निकालना सिखा दूंगा एक ही ग्रुप एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, तो उसमें देख लेंगे। अब देखिए कंटिन्यूअस समझ में आ गया, अब डिसकंटिन्यूअस कैसा होता है जिससे कि हमें पता पड़े दोनों के बीच में डिफरेंस। डिसकंटिन्यूअस में क्या करता है वो, जैसे ये इंटरवल लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है, उसने लिख दिया 0 से 9, फिर 10 से 19, अब 20 से 29, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, कुछ भी। अब देखो इन दोनों क्वेश्चनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है, अगर इनमें अंतर समझ में आ गया तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझ में आ गया, बहुत से बच्चे को समझ में आ गया। देखो यहां पर 10 आ रहा है, यहां पर स्टार्ट भी किससे हुआ है 10 से, यहां पर क्या आ रहा है 9, और जबकि स्टार्ट किससे हो गया 10 से, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे डाटा को जब भी इस तरह का क्वेश्चन चाहे मीन में पूछा जाए, चाहे मीडियन में पूछा जाए, चाहे मोड में पूछा जाए, तीनों केस में हमें क्या करना है, इस तरह के डाटा को चेंज कर देना है। किस में? हमें कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे बेटा वो देख लो। तो इसके बाद फिर मैं किसी भी क्वेश्चन को ऐसे को नहीं बताऊंगा जिसमें कंटिन्यूअस डाटा चेंज करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस डाटा चेंज करना, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाना आ गया आपको, तो फिर चाहे वो मीन निकलवा रहा है या मीडियन निकलवा रहा है या मोड निकल रहा है, फिर तो केवल उनका फॉर्मूला लगाना है आपको, तो इसलिए इसको ढंग से समझ लो। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है बेटा, इंटरवेल, और ये क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा हिंदी में बात करें, ये जो है फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हिंदी में बारंबारता, ठीक है, और इंटरवेल को बोलते हैं वर्ग अंतराल, तो एकदम घबराना नहीं जाना है। अब देखो ये क्या करते हैं हम, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 घटा देते हैं और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 जोड़ देते हैं। अगर इसमें से 0.5 घटा दिया तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 जोड़ दिया तो ये 9.5 हो जाएगा। अब देखो 10 में से 0.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5, इसमें जोड़ देंगे तो 19.5, मतलब अपर लिमिट में बड़े वाले में तो हमें 0.5 जोड़ना है और छोटे वाले में से 0.5 घटा देना है, लोअर लिमिट से हमें 0.5 घटा देना। अब देखिए इसमें से घटाएंगे 19.5, इसमें जोड़ेंगे 29.5, अब फ्रीक्वेंसी तो 5.32 दे रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब देखो जरा यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है 9.5, यहां पर शुरू में क्या आ रहा है 9.5, कंटिन्यूअस हो गया या नहीं। कंटिन्यूअस में क्या था, इसकी हाईएस्ट लिमिट और इसकी लोएस्ट लिमिट सेम होनी चाहिए। अब देखो यहां पर, चलो ग्रीन पेन से कर देता हूं, यहां पर ये 20 आ रहा है तो देखो यहां पे भी 20 आ रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो यहां पर 19.5 आ रहा है, यहां पे भी 19.5 हो गया। तो आज एक सबसे नया कंसेप्ट सीखिए हम, ठीक है, क्या, कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस, वो सॉरी डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बनाओ। चलिए एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, मैं चाहता तो इसी को एक टाइप बना देता, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इसको टाइप ही लिख देते हैं, इससे क्या फायदा होगा कि फिर मैं बार बार कहूंगा ना कि टाइप नंबर 1 को देख लो तो आपको देखने में आसानी रहेगी। तो ये हमारा हो गया टाइप नंबर 1। केवल क्या है, डिसकंटिन्यूअस डाटा को चेंज करना है किसमें, कंटिन्यूअस में, चाहे हिंदी में समझ लो या इंग्लिश में समझ लो,
ये ध्यान रखना है, अगर ये नहीं समझा तो ना तो मीन निकलेगी डिसकंटिन्यूअस डाटा की, ना मीडियन निकलेगी, ना मोड। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझ में आ गया। अब वो कंटिन्यूअस डाटा का भी मीन निकलवा सकता है, मीडियन निकलवा सकता है, मोड निकलवा सकता है। डिसकंटिन्यूअस डाटा का भी मीन मीडियन मोड निकलवा सकता है। अभी एक नया कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम 10th क्लास में, ओजिव। बेटा इसको लिखते तो ओ गिवेन, ओ जी आई वी, लेकिन बोलते इसको ओ ज, ओ ज, और इसके नीचे ये बिंदी आएगी, अजिव, अजिव। ठीक है, तो ध्यान रखें ये, इसके बारे में अभी लास्ट में करेंगे। इसके बारे में जैसे मैंने तुम्हें बताया था चैप्टर नंबर 13 में कि भाई एक क्वेश्चन फ्रस्टम का आपका आना ही आना है, छिन्नक का क्वेश्चन एक आना ही आना है, ऐसे ही इस ओजिव का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। हिंदी में इसको बोलते हैं तोरण। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होगा कि ओजिव का क्वेश्चन ना आए। तो इसे ये सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में कराएंगे। तो टाइप नंबर वन समझ में आ गया सब बच्चों को, इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप इसी से समझ जाना। ठीक है, मैं और क्वेश्चन नहीं करा रहा। अब आता है कि ये बात मैंने जैसे बताया, कंटिन्यूअस के अंदर भी तीनों चीज निकलवा सकता है, डिसकंटिन्यूअस के अंदर भी तीनों चीज निकलवा सकता है। मैंने लिखी नहीं क्योंकि सेम है, क्यों बेकार की परेशान करें। हिंदी में मीन को माध्य, मीडियन को माध्यिका और मोड को बहुलक। अब हमें ग्रुप डाटा का निकालना सीखना है। 9th क्लास तक हम अनग्रुप डाटा का निकालना सीख गए। जिस बच्चे को नहीं आता है वो क्लास 9th की स्टैटिक्स की जो वीडियो बना रखी है मैंने, पूरी स्टैटिक्स की वीडियो बना रखी है एक ही में, उसी में माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सिखाया है, उसी से सीख लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बता रहा बेटा, उसे ढूंढोगे 9th क्लास 9th में जाके तो मिल जाएगी आपको। इसके बाद आइए, माध्य निकालने के 10th क्लास के अंदर तीन मेथड है आपके पास। एक डायरेक्ट मेथड है जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, एक एज्यूम मीन मेथड है और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अब डिसकंटिन्यूअस वाले की भी ऐसे निकलवा सकता है वो, तो कोई बात नहीं। मतलब डिसकंटिन्यूअस को हम क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, उसके बाद सारा काम ये वाला कर देंगे। तो इसलिए उस वाले पार्ट को तो आप करते ही नहीं है। अगर एक बार हमें फॉर्मेट चेंज करना आ गया, कंटिन्यूअस में बनाना आ गया, तो उसके बाद हम कंटिन्यूअस वाला प्रोसीजर ही उसमें लगा देंगे। डिसकंटिन्यूअस वाला कोई ये नहीं है अलग से सीखना है कोई तरीका, हमें तो बस एक मोटा सी चीज सीख ली हमने कि भाई हमें तो डिसकंटिन्यूअस दे दो, हम कंटिन्यूअस बना देंगे, कंटिन्यूअस के हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं, खत्म। तो बात समझ में आ गई। आज हम टाइप नंबर टू करते हैं जिसमें मैं डायरेक्ट मेथड करा रहा हूं। ठीक है, देखिए टाइप नंबर टू, तो ध्यान रखें टाइप नंबर वन मेरा क्या बन गया, टाइप नंबर वन बन गया मेरा कौन सा वाला, जिसमें डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में चेंज करना। तो ऐसे याद रखना है, जब भी मैं टाइप नंबर वन बोलूंगा कि टाइप नंबर वन पे जाना है आपको और उससे इसको चेंज कर लेना है, फिर उसके बाद काम करें। तो ध्यान रखें, अब देखो डायरेक्ट मेथड में मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 5, 8, 11, कुछ भी दे दिया, ये इंटरवल और ये मेरा फ्रीक्वेंसी बारंबार। अब देखिए इसको मुझे क्या निकालना है, उसने कहा फाइंड मीन। एक ही क्वेश्चन के अंदर वो मीन, मीडियन, मोड तीनों निकलवाएगा एग्जाम में, लेकिन अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं इसी, क्योंकि केवल टाइप नंबर टू कर रहे हैं इसलिए केवल मीन निकालो। क्या करना है आपको, डायरेक्ट मेथड में एक नई टेबल बनानी है, अपना इंटरवल दोबारा से लिखना है, टेबल नहीं बनानी है, उसी में नहीं करना। ठीक है, टेबल के भी नंबर है हमारे, ये फ्रीक्वेंसी चल रही थी वो चीटिंग कर लेनी है, यहां से टीप नहीं चीटिंग करने का मतलब। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें हम निकालते हैं मिड वैल्यू।
अब मिड वैल्यू का क्या मतलब है वो देखिए, मध्य मान, मध्य मान, माध्य का माध्य नहीं कह रहा मैं, मध्य मान कह रहा हूं। मध्य मान कैसे निकलता है बेटा, इन दोनों को जोड़ो हाईएस्ट और लोएस्ट को, तो जीरो में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 10, और दो से भाग देना है हमेशा, तो मध्य निकालना है ना इसलिए दो से भाग, 5। इन दोनों को जोड़ो दो से भाग, इन दोनों को जोड़ो दो से भाग। अब तुम्हें क्या करना है, इस जो तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी निकला इसको बेटा मैं बोलता हूं एफ आई छोटा, देखो जैसे ये एफ बड़ा लिख दिया और आई छोटा, ठीक है, और इसको जैसे ये मध्य मान है इसको मैं लिखता हूं एक्स आई, तो इसको एक्स ये और आई छोटा सा, ठीक है, इसमें ये वाला एक्स यूज मत करना, ये वाला मत करना, ये वाला ही करना, क्योंकि फिर आगे कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लाई, ये जो आई लगा दिया ना, आई का मतलब पता क्या है कि ये पहला नंबर तो एफ वन, दूसरा नंबर एफ टू, तीसरा नंबर एफ थ्री, मतलब आई की वैल्यू 1, 2, 3 में आती जाएगी, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम तो बस ये याद कर लो ये एफ आई होता है ये एक्स आई होता है। अब फिर हम क्या करते हैं, करस्पोंडिंग मल्टीप्लाई, करस्पोंडिंग मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, पहले का पहले से मल्टीप्लाई, देखो मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं, इस 5 का इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25, करस्पोंडिंग मतलब पहले का पहले से, इसका पहला और इसका पहला। अब देखिए जरा ब्लू कलर से देखते ले, ये मेरा 8 और ये मेरा 15, करस्पोंडिंग ये होगा, ये इसके में कौन से नंबर पे है, दूसरे पे है, ये इसके में कौन से में है, दूसरे, तो ये करस्पोंडिंग कहलाएंगे। तो 15 का अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 120, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं एक ब्लैक से देखते थे, इस ये तीसरे नंबर पे है, ये भी तीसरे नंबर पे है, तो करस्पोंडिंग मल्टीप्लाई इन दोनों का कर सकते हैं, तो 25 एकम 25 2 25 और 2 27, कोई परेशानी, इसमें टेबल के ही नंबर हैं, अगर टेबल नहीं बनाओगे तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा का मतलब होता है सम, इसे समेशन बोलते हैं, ठीक है, सम निकाल लेते हैं किसका, एफ आई और एक्स आई, ये एफ आई एक्स आई के कॉलम का, इन सब का, अब 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, कितने भी आ जाए, उन सब का क्या कर लेना है हमें, सम निकाल लेना है, और एक बार सम निकाल लेना है एफ आई का, तो इसे बोलेंगे सिग्मा एफ आई। देखो इनका सम निकालो, 11 में 8 जोड़ दिया 19 1905 24, इसका सम निकालो, देखो 5 और 5 10 1 कैरी, 3 और 2 5 5 12 1 3 4 420, ठीक है बेटा, कितना हो गया 420। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया हमारा, सिग्मा एफ आई निकल गया, अब फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो ग्रीन पेन से देखते हैं, मीन को हम लिखते हैं एक्स छोटा वाला ये वाला और इसके ऊपर बार लगा देते हैं मीन, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वाले का सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का जोड़, सम, समेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और सिग्मा एफ आई से डिवाइड मतलब एफ आई वाले कॉलम का जोड़ से डिवाइड कर दो। तो केवल अब आपको क्या करना है, ये जो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम आया है 420 और ये 24, इसको डिवाइड कर लेना है, और डेसिमल में अगर डिवाइड कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर निकाल देना है। ध्यान रखना इसमें फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। अब इसको पहले काट लेते हैं फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर, 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 1 0 5, देखते हैं 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 3 9, 3 5 15, तो ये आ जाएगा मेरा 17.5, ठीक है बेटा, यहां तक काम खत्म, ऐसा आ जाए, एक टाइप हमें समझ में आ गया, मीन निकालने का
कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप नंबर। चलो इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू इसमें क्या किया उसने, मीन पहले से ही दे रखा है 18 और फ्रीक्वेंसी मिस कर दी, एफ दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में एफ जब निकालना है तो हम डायरेक्ट मेथड ही यूज कर देंगे। जिस क्वेश्चन में उसने कहा नहीं कि कौन से मेथड से करना है, तो मीन निकालने के 3 मेथड सीखेंगे, तीनों में से किसी से भी कर सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि भाई इस मेथड से ही करो, तो उसमें उसी मेथड से करना है, दूसरे से कर देंगे तो वो मार्क्स हमें नहीं देगा। अब इस क्वेश्चन में तो वो फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है और ये भी नहीं बात की कि किस मेथड से निकालने, मीन दे रखा है मेरा 18। ठीक है, हिंदी में देखना चाहो हिंदी में देख लो, एक मिनट में निकालता हूं। मतलब जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो उस क्वेश्चन में आप 100% क्या करो, डायरेक्ट मेथड ही लगा दो। देखो हिंदी में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा बेटा 3। नहीं दिख रहा, एक मिनट, अब देखिए, अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन को, मैंने आपको तो दिखा दिया, अब मैं जरा सॉल्व करूंगा तो इसे हटाना पड़ेगा मुझे। एक टाइप नंबर 2 का एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जो कि हमने बताया क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये बेटा, मेरा एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है अपनी किताब। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मीन दे रखा है मुझे 18, पहला काम तो ये करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से दे रखा था, रो में हमने इसको वर्टिकली लिख लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो थोड़ा जो जब कॉलम बनते हैं ज्यादा तो फिर दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने क्या किया है इसको वर्टिकली लिख लिया। ये दे रखा है मेरा 11 से 13, ये बाकी सब ये लिख लेना उसमें से जो क्वेश्चन दे रहा है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और लास्ट है 23 से 25। सबसे पहले इस इंटरवेल को देखा क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम क्या करते, टाइप नंबर 1 लगा के इसको क्या कर देते, कंटिन्यूअस कर देते। चलिए ये कंटिन्यूअस पहले से दे रखा है इसलिए टाइप नंबर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसे इंटरवेल बोल सकते हैं हम। अब देखिए फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है उसने, ये दिया है बेटा, मैं नहीं लिख रहा, बुक में देखना क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9, 13, ये वाली फ्रीक्वेंसी गायब हो गई है जिसको हम उसने एफ लिख दिया है इस वाली की, ठीक है, और ये 5, 4। अब देखो एक तो आपको डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ती थी, तो सिग्मा एफ आई देख लेते हैं पहले। देखो 4 में 5 जोड़ा 9, ये एफ जुड़ता नहीं है तो अभी इसको बाद में लिख देंगे, 9 और 13, 13 में 9 जोड़े तो ये हो गए हमारे 22, 22 में 9 जोड़े तो ये हो गए हमारे 22 में 9 जोड़ दिए 31, 31 में 6 जोड़ दिए तो 31 में 6 जोड़ दिए 37, 37 में 7 जोड़ दिए 37 में 7 जोड़ दिए तो 44 प्लस F, ये F अलग से आएगा। तो आपको ये पता है कि भाई ये एक तरह से हमारा क्या है, मतलब डिफरेंट चीज है, ये हमारे सारे नंबर थे, नंबरों को नंबर में जोड़ दिया, डिफरेंट चीज को जोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको पता है लाइक टर्म्स ही आपस में जुड़ सकते हैं। चलिए डायरेक्ट मेथड में फिर क्या करते थे आप निकालते थे मिड वैल्यू, निकालो
मिड वैल्यू को क्या बोलते थे तो हम एक्स आई, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे एफ आई, एफ थोड़ा सा बड़ा और आई छोटा, एफ बड़े का मतलब कैपिटल एफ नहीं है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ा और टू से डिवाइड किया। देखो बेटा मैं यहां पे करता हूं, 11 को जोड़ा 13 में और 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 24 अपॉन 2 मतलब 12 आ गया। देखो इन दोनों के बीच का नंबर आ गया ना 12, तो इन दो सबके सब में बीच का नंबर लिखते चलो 14, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया मेरा 18, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया 22 और ये लास्ट में 24। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक तरीका तो ये इन दोनों को जोड़ो टू से डिवाइड करो तब भी 24 आएगा, या यहां दिख गया हमें इन दोनों के बीच का नंबर आ रहा है तो ऐसा कर दिया। अब यहां पर करते थे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई एक्स आई एफ आई। ये करस्पॉन्डिंग शब्द बेटा अच्छी तरह समझ लो, मैथ में बहुत काम का शब्द है। करस्पॉन्डिंग का मतलब कहीं पर भी यूज होगा मैथ में, उसका मतलब है पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, इस तरह से। चलिए अब हमने इसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले इस 7 का इस 12 से कर दिया तो 12 सत्ते हैं। चलिए अब इसके बाद हमने इस 6 का इस 14 से कर दिया करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6 × 24, तो इधर देखिए ये हो गया मेरा, इसका देखिए 13, 8, 4, 18, 54, 5, 23, 18, 5, 23। चलिए अब देखो 20 का एफ से करेंगे, मैं ग्रीन से कर देता हूं। ये देखो ये एफ है और ये 20 है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है तो 20 एफ आ जाएगा, प्लस नहीं हो सकता माइनस नहीं हो सकता। ये प्लस माइनस की मैंने वीडियो बना रखी है, कब होता है कब नहीं होता तो उसे देखा जा सकता है। तो 22 का 5 से किया तो 110 हो गया, और 24 का 4 से किया तो ये 96 हो गया। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ती थी बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई की। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई में ये वाला टर्म नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले 20F को अलग हटा के रख दिया, बाकी सब जुड़ सकते हैं, बाकी सबको मैंने जोड़ दिया। तो देखिए 6, 4, 10, 14, 14, 18, 18 और 4, 22, 2 कैरी, 10, 18, 18 और 22, 25, 25, 26, 26 और ये हो गया 35, 3 कैरी, 4, 5, 6, 7, ये देखिए ये हमारा आ गया एफ आई एक्स आई का टोटल। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला होता था मेरा एक्स मीन, एक्स बार का मतलब मीन हो जाता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल और सिग्मा एफ आई इस वाले कॉलम का टोटल और इस वाले टोटल कॉलम। तो देखिए मैं यहीं पे आगे लिख देता हूं, यहां पर ये आ रहा है 752 + 20F और ये आ रहा है मेरा 44+F। मीन मेरा दे रखा है कितना दे रखा है 18, तो LHS में 18 आ जाएगा। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसका इससे, तो आराम से मेरी किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा एफ, इधर भी एफ आएगा इधर भी एफ आ रहा है, तो दोनों एफों को एक साइड में कर दूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं कह सकता कि ये नया टाइप है कि भाई मीन दे रखा है, तो इसलिए केवल सिंपल डायरेक्ट मेथड का ही एक पार्ट है कि जिस क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्वेंसी मिस हो जाए उसमें डायरेक्ट मेथड ही लगा देगा। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 क्या बताता है हमारा, टाइप नंबर 3 मान लीजिए कोई टेबल दे रखी है हमें,
ये मेरा इंटरवल, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी। वो तो जो क्वेश्चन में तो दी होगी, मैंने इसीलिए दोबारा टेबल ना बनानी पड़े, मैंने बना दिया। मैं ये समझो आप सॉल्यूशन कर रहा हूं, इंटरवल में यहां पे लिख के दे रहा हूं आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, ये लेते हैं 5, 8, 6, 9, कुछ भी उल्टा सीधा ले रहे हैं। ये इतना तो क्वेश्चन दिया होगा, मेरे को दोबारा क्वेश्चन ना करना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया है कि भाई इसी में वो बना दिया। अब मैं सॉल्यूशन कह रहा हूं टाइप नंबर 3 का। अब लेकिन उसने कहा मीन फाइंड करो यूजिंग बाई एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड को बेटा हिंदी में क्या बोलते थे, कल्पित विधि, ठीक है, ये था ना, बताया था कहां गया पेज वो वाला, एक मिनट बता देता हूँ। ये देखिए एज्यूम मीन मेथड को हम क्या बोलते थे, कल्पित माध्य विधि। तो इसके आधार पर हम जो है, अब की बार उसने नाम दे दिया, इसलिए अगर मैंने इसे डायरेक्ट मेथड से कर दिया तो वो मार्क्स मुझे नहीं देगा, कोई नहीं। अब हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले मध्यमान तो निकाला। मध्यमान को क्या बोलता था मैं, एक्सआई, लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो केवल एक्स आई से काम चल जाता है, मध्यमान। वही दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5। इन दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा मेरा, 15। दिस इज 25, दिस इज 35। और उसमें तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते, अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या करते हैं बेटा, इन्हें काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 4 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इसमें दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के, मतलब उतना उसका आधा या उससे आगे, किसी को भी क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए देखो एज्यूम में ए से चालू हो रहा है नाम, इसीलिए इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। अगर मैं इसको भी ए मान लूं तब भी आंसर सेम आएगा, मैं इनमें से किसी को भी ए मान लूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। तो इसलिए ये घबराना नहीं है कि किसी बच्चे ने ए दूसरा मान लिया तो उसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच की वैल्यू को हम ए मानते हैं, जैसे मान लो इसमें 5 टर्म दिए होते हैं तो तीसरी को मान लेते हैं, अगर बीच की वैल्यू को हम ए मान लेते हैं तो फायदा ये हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, हमेशा कोशिश करो बीच की वैल्यू, कोशिश करो, मैंने ये नहीं कहा हमेशा बीच की वैल्यू माननी है, कोशिश करो बीच की वैल्यू, इससे कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएगी। तो हमने क्या किया, अब इसके बाद इसमें जो है हम निकालते हैं एक्स डी। अब इसको डी को भी डी आई बोल देते हैं, और ये निकलता कैसे है, करस्पॉन्डिंग एक्स आई में से ए घटाना है। मैंने कहा करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, ऐसे घटाना है, ए घटाना है हर एक में से, ए तो हर एक में से घटाना है, 15 घटाना है। अब देखो इस 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा कि नहीं, देखो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो रफ में देख लेना आराम से। रफ में देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो डी आई का, एक्स आई माइनस ए, पहला वाला क्या है 5, और ए तो हमेशा 15 है, तो हमको क्या करना है, ये पहला वाला आ जाएगा, इसे माइनस करूंगा तो माइनस का 10। अब दूसरा वाला 15 में से 15 माइनस करोगे, 15 तो फिक्स है, फिर 15 में से 25 में से 15 माइनस करोगे, फिर 35 में से 15 माइनस करोगे, क्योंकि ये ए की वैल्यू 15 तो हर केस में फिक्स है। इससे क्या निकल गया मेरा, डीआई निकल गया, डीआई का मतलब है डेविएशंस। तो अब की बार क्या कर देते हैं, एफ आई का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं डी आई के साथ, एफ आई का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे डी आई के साथ, देख लो एफ आई का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई अगर डी आई से करेंगे तो ये डी आई और ये एफ आई, तो ये हो जाएगा -50। इस 0 का 8 से करेंगे 0, इस 10 का इस 6 से करेंगे तो 60, और ये 20 का करेंगे 180। अब क्या करना है, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना है, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना है, आपस में घटा देना है, हमें तो इस कॉलम का प्लस करके देना है, एफ आई डी आई। जैसे एफ आई
एक्स आई लेते थे वहां, यहां डी आई ले लेंगे। आप देखिए, और फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम मीन निकालने में हर केस में चाहिए आपको। तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28। तो बात समझ में आ गई, यहां पर काम बढ़ गया केवल डी आई का। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना, वहां पर फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहां पर डी आई निकाल दिया तो डी आई आना चाहिए और सिग्मा एफ, यहां तक कोई परेशानी हो तो फॉर्मूले में दिक्कत है भाई, यहां पर डी आई निकाला है तो सिग्मा डी आई तो आना चाहिए। अब लेकिन इसमें ए आपने क्या किया है, हर स्टेप में माइनस, तो इसलिए ए प्लस और कर देंगे इसमें, क्यों, बैलेंस तो बनाना है मैथ में। यहां अगर हमने ए को माइनस कर दिया है सब में से, तो यहां प्लस भी करना, टोटल का जो आंसर आएगा उसमें ए प्लस कर दो। तो समझ में आ गया ए प्लस क्यों लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि हमने ए को यहां से माइनस किया है सब में से। अब ये सबका ही आंसर आएगा, इस सबके आंसर में ए जोड़ दो, काम खत्म, जो तुमने घटाया था। चलिए अब देखिए हमने क्या किया, ए की वैल्यू बेटा मेरी 15 थी, सिग्मा एफ आई डी आई के निकाल लेंगे टोटल, देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो ये 240 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 6 14, चलिए, और ये 50 माइनस का है तो माइनस कर देंगे, तो ये प्लस का 190, ये माइनस का भी आ सकता है, अगर माइनस का आएगा तो यहां पे माइनस का लिखना है, प्लस का आया है तो प्लस का लिखना है, तो ये हो गया 190 और सिग्मा एफ आई 28। अब मीन हमारा इससे आराम से कह लो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, पहले ऐसे मत करना एलसीएम लेके कर दो, पहले इसको डेसिमल मार्क बना लो, फिर इसे जोड़ने में आसानी रहती है, तो पहले तो कट रहा है तो काट लो, 2 से कटा 14 टाइम्स, 2 से कटा हमारा 9 और 5 95, 7 से कट नहीं रहा, 2 से कटे, तो अब क्या करेंगे हम 14 से 95 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 14 से 95 को डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, 6 बार देखते हैं, तो ये 70 84, ये बच गया तुम्हारा 6 और 5 11, चलिए पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, ये लो अब ये चला जाएगा लगभग तुम्हारा 7 बार चला जाएगा, 8 बार, 8 बार जा सकता है कि नहीं जा पाएगा, 7 बार ही जा पाएगा, तो ये लगभग लगभग 7 बार देखा तो ये आ गया 104। अब देखिए ये गया तुम्हारा 6, फिर से 0 लगा लो तो 14 से जाएगा ये 14 चौक 56, तो ये आ गया 15 और 6.74। मैंने कहा था डेसिमल के 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये अब प्लस करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी आपको, दिस इज 21.74, और क्योंकि इसका डिवाइड पूरा नहीं हो पाया है इसलिए लास्ट में ए डबल पी अप्रोक्सीमेट लगा लगभग, अगर ये डिवाइड पूरा हो जाता तो फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूं टाइप नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, टाइप नंबर 3 के अंदर भी डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब हमारा रह गया स्टेप डेविएशन मेथड, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए कल करेंगे उसे, ओके।